दिव्यांशी बन गई हैं शेर, और ये बड़ा वाला शेर शेर डांस करके कैसे दिखाता है। मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, तबीयत खराब है इनकी। और क्या खा रही हो? ओहो चलो खा लो। तो अचानक ही मैडम की तबीयत खराब हो गई तो उनको लाना पड़ा हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। पिछले ब्लॉगों में आपने देखा था कि हम गांव गए थे, तो गांव से आ चुके हैं वापसी दिल्ली। तो आज करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। दिखाते हैं आपको आज का जो भी ब्लॉग है बनाएंगे हम, वो आपको दिखाते हैं। दिव्यांशी बन गई हैं शेर, और ये बड़ा वाला शेर शेर डांस करके कैसे दिखाता है। डांस कैसे होता है शेर का? घूमर 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 रे। जी का बुलेट ले गया था नीचे। मैडम यहाँ बैठी हुई है, तबीयत खराब है इनकी। और ये है, ये लोग यहाँ पर क्या लग गया जी? देखो जी, देखो जी, देखो देखो दिव्यांशी। और ये नीचे स्वाति काम कर रही है, और यहाँ पे ये शेर बना घूम रहा है। टाइम हो गया 9:15। ये देखो ये लग जाएगी उसके, ऐसे मत कर, उसमें मत घुसा, उसमें नहीं है। दिखा, देखो देखो, और यहाँ पे नीसू कर रहा है इसको रिपेयर, ये छूट गई थी, ये रिपेयर हो रही है। इसको बंद कर। तो अभी आए हैं नीचे और स्वाति कर रही है यहाँ पे काम। और ये हम जो गांव से लाए थे, इसमें गेहूं है और वो चावल का आटा है, इसमें तेल है। और दिव्यांशी क्या है ये दिखा। वो तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा सामान वामान ले आए। दिव्यांशी चीज मांग रही हैं, और जो बाहर का नजारा है ये है। और जिधे वो कहाँ खड़ी करके आया है? धूप निकल आई है, गर्मी का टेम्परेचर भी बहुत हाई है। तो चलो दिव्यांशी चलो आ जाओ। तो घर आ चुके हैं, और दिव्यांशी अपने लिए लाई हैं ये चीज खाने के लिए, लगी पड़ी है खाने में। ये देखो क्या है दिव्यांशी, दिखाओ क्या है, क्या खा रही हो? ओहो चलो खा लो। तो यहाँ चल रही है सफाई, उल्टा सीधा कर रखा है इन लोगों ने, तो लगे पड़े हैं। ये खराब है ना ये लाइटें, ये फेंक दे फिर, जब खराब होगी तो फिर उसमें फसा फसा के रखी है। तो अचानक ही मैडम की तबीयत खराब हो गई तो उनको लाना पड़ा हॉस्पिटल। और अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं, तो अभी हम मैं अंदर जाऊंगा, डॉक्टर ने बुलाया है तो दिखाता हूँ आपको वहाँ पर। और अभी डॉक्टर बताएगा क्या मतलब परेशानी हुई है। अभी सीटी स्कैन करवा दिया है, अभी डॉक्टर का आने का वेट कर रहे हैं, आते ही फिर बताएंगे हमें उन्हों क्या परेशानी हुई है। तो मैडम इसी वार्ड में एडमिट हैं, इसमें मिलने का जो टाइम है 10:30 से 11 है, और 5 से 5:30। तो अभी जो टाइम है वो बज रहे हैं 4:45। MRI हो रही है अंदर, और जो CT स्कैन हुआ है उसमें कुछ नहीं निकला, अब MRI करके देख रहे हैं। और सिस्टर भी आई हुई है,
तो दोस्तों अभी जा रहे हैं घर पर और मैडम है हॉस्पिटल में, आईसीयू में जाने देते नहीं हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। वो देख चलो आओ चौधरी बनाओ, तसल्ली नहीं रहे गलत। तो चलो मिलते हैं आपसे घर पर। और इधर लग रहा है मेला, तो घर आ चुके हैं, आके अभी नहा लिया है। आज सुबह से नहाया भी नहीं था और ना ही ब्रश किया था, तो नहाया है ब्रश किया है और अब थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है। और देखिए दिव्यांशी क्या करती है, दिखाते हैं आपको। दिव्यांशी यहाँ पर अपना गेम चला रही है फ़ोन में, मम्मी वाले फ़ोन में। और बाकी यहाँ पर स्वाति रोटी बना रही है और गुड़िया बर्तन धो रही है। उधर वो वहाँ लेटे हैं उस कमरे में। तो चलो खाते हैं रोटी और ब्लॉग को करते हैं खत्म। ब्लॉग हमारा कैसा लगा, दुआ करें आप लोग मैडम की तबीयत जल्दी सही हो, घर वापसी आए। बहुत परेशान हो जाते हैं उनके बगैर। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे उनको क्या परेशानी थी, किस वजह से उनको एडमिट कराना पड़ा। बाय।